الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مصابيه الرحمة ومصابيه الذل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونبلو على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور عزیز دوستوں سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اس سعادت و خوشبختی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ماہ سیام کی مقدس راتوں میں تراویح میں قرآن پاک سننے سے آپ کو حاصل ہوئی یہ سال کے بعد آنے والا مبارک مہینہ بڑی برکتوں کا امین ہے اور تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں بندوں کے لیے بہت کچھ الطاف و انعامات کا نزول ہوتا ہے کچھ نصیب اس مہینے میں اپنی خطائیں بخشوا لیتے ہیں اور بد نصیب اسی مہینے میں اپنا دامن خطاؤں سے اور زیادہ بھر لیتے ہیں رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ام المومنین مخدومۃ المسلمین مریم اسلام حبیبہ حبیب خدا سیدت النساء اہل الجنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ عام ایام سے ماہ رمضان المبارک میں رسول اللہ کے مشاغل و مصروفیات عام ہو جایا کرتے تھے حضور کی عبادت و ریاضت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر راتیں اس کی بارگاہ میں ذکر و فکر میں گزرا کرتی تھی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں جو حضور کے نجی ضروریات کے خادم تھے کہ اس مہینے میں پیغمبر کی سخاوت چلتی ہوئی آندھی سے بھی تیز ہوتی اس مہینے میں کبھی کبھی اگر کوئی سواری آ جاتا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خالی لوٹانا گوارا نہ کرتے یہاں تک کہ کبھی کبھی یہ نوبت آتی کہ کسی یہودی سے قرض لے لیتے لیکن کبھی سواری کو خالی نہ جانے میرے عزیز دوستو اس کے پہلے 10 دنوں کو رحمت قرار دیا گیا اس کے درمیانی 10 دنوں کو بخشش عام کا مرحلہ قرار دیا گیا اور اس کے آخری 10 دنوں کو جہنم سے رہائی کا موقع قرار دیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں لوگوں میں شامل کر دے کہ جو اس کے تینوں مرحلوں سے جھولیاں بھر لیتے ہیں
अल्लाह हमें महरूम लोगों से महफूज मामून रखे हुए। मेरे अजीज दोस्तों, रमजान की अहमियत इस लिहाज से भी और ज्यादा है कि इसमें कुरान पाक का टकराव होता है। अमीर मोमिनीन खिलाफत राजा के दूसरे ताजदार हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इस लिहाज से उम्मत के मोहसिन हैं कि उन्होंने अपने दौर में कुरान के तहफ्फुज़ को महफूज रखते हुए ये तरावी में कुरान पढ़ने का सिलसिला शुरू फरमाया। 20 तरावी में कुरान का पढ़ना और 27वीं शब का खत्म करना ये फारूक आजम की सुन्नत है और उनकी यादगार है। तो फारूक आजम की बात भी हम कम मानते, सच्ची बात सुनिए, हम कब मानते फारूक आजम की बात? हमने उनकी बात को इसलिए माना है कि उसके उस्ताद कामिल ने कहा है कि ये मेरा कामिल शागिर्द है, ये जो कुछ करे तुम्हारे लिए हुज्जत, ये जो कुछ करे तुमने वो करना है। अलैकुम बिसुन्नती वसुन्नतिल खुलफाए राशिदीन मादिकीन, जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसे भी तुमने अपनाना है और ये मेरे मकसद के पारे उतारती, ये मेरे अजीम शागिर्द जो कुछ ये करे वो भी तुमने अपनाना है। कि निजात की सूरत यही हो सकती है कि तुम्हारी जिंदगी सहाबा के किरदार से रोशन हो। बड़ी हिकमतें हैं, आप जब गौर करेंगे तरावी के सिलसिला में कुरान पाक के पढ़ने को 27वीं शब तक तरावी की रकात भी गिन लीजिए 540 बनती हैं, 27 बी से 540 और कुरान के रकू भी 540। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत ने यही सोचा कि अगर कोई ज्यादा भी न पढ़े, एक रकू एक रकात में पढ़ेंगे तो तरावी भी पूरी हो जाएगी और कुरान की हिफाजत का सिलसिला भी कयामत तक जारी। सच्ची बात है कि अगर हुफाज किराम को रमजान में कुरान न सुनाना होता तो शायद ये इस एहतमाम से याद न करते। ये बेचारे साल भर याद करते रहते हैं, कुछ तो अल्लाह की रजा के लिए और कुछ इस ख्याल से कि अगर हमने मेहनत न की तो रमजान में चोरी पकड़ी जाए। और फिर ये भी कुरान पाक का मौजदा है, दुनिया भर की किताबों को आप सामने रखें, सारी दुनिया की किताब इस एहतमाम और इंतजाम से इंसान की जुबान पर भी तकरार नहीं आती जिस कदर रहमतुल्लिल आलमीन का कुरान आता है। मैं तो दावा करता हूं कि दुनिया के किसी मुल्क की किताब इंसान याद नहीं कर पाया। लेनिन और कार्ल मार्क्स के इक्तिसादी फार्मूले, मऊ ज़ेदुंग की रेड बुक या किसी मगरबी मुफक्किर की तसनीफ या कदीम यूनानी फलसफियों का कोई मुसवदा, कोई दुनिया की किताब, हिंदू की ग्रंथ या सिखों का कोई मुसवदा या बुद्ध मत की कोई किताब, किसी को आज तक इंसान के दिल की गहराइयों में जरा नहीं मिली। ये कुरान है जो बेतकल्लुफी से इंसान के दिल की गहराइयों में डेरे लगा लेता है। छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक के हाफिज होते हैं जो इतने मुख्तसर होते हैं बाद कि बड़ी तख्ती वाला कुरान खड़ा कर दो तो कुरान की कद उनसे बड़ी हो जाती है, लेकिन 30 पारों के हाफिज हो जाते हैं। इसलिए कि इंसान की फितरत जो है वो उसके आईने में कुरान का अक्स पड़ता है और फितरत इंसानी कुरान के जमाल को जब्त कर लेती है। बाकी सारी चीजें गैर फितरी हैं, उनसे इंसान का जमीर मुतमईन नहीं होता। और कुरान पाक और इंसानी जमीर का ताल्लुक है, इसलिए कुरान का अक्स पड़ता है इंसान के जमीर पर और जब ये कुरान की तरफ लपकता है तो कुरान भी इसे अपना लेता है। ये सिलसिला कयामत तक आज लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों कारी कुरान अर्ज पे मौजूद, जिनकी जुबानों से कुरान के तराने बुलंद हो जाते हैं रमजान मुबारक में। हर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है, हर मुल्क में लाखों की तादाद में कुरान पढ़ने वाले बड़े एहतमाम और इंतजाम के साथ इसको पढ़ते हैं, इसका तकरार होता है। और कयामत तक के लिए सुनिए मेरी बात, कुरान पाक की हिफाजत कोई मौलवी, कोई हुक्मरान, कोई मुफक्किर, कोई साजदार या दुनिया का कोई ताकत वाला कुरान की हिफाजत नहीं कर सकता। कुरान का वो मुहाफिज है जो सारी कायनात का खालिक मालिक है, जिसकी ताकत में और इख्तियार में कोई शरीक नहीं, वही कुरान की हिफाजत करने वाला है। अगर वो हिफाजत करने वाला ना होता, कुरान के लिए कल भी साजिशें हुई, कुरान के लिए आज भी साजिशें हो रही, इस किताब मुकद्दस के खिलाफ आज भी बड़ी बड़ी ताकतें साजिश में मसरूफ है कि किसी तरह से कुरान पाक के
سنت کو دامدار کیا جائے اور اس طریقے کو قرآن سے ہٹایا جائے مٹایا جائے. لیکن قرآن پاک یہ گودری کا معشوق یہ چودھری کا چاند یہ جس طرح پہلے کوئی شباب تھا اس کی جوانی میں آج بھی کوئی فرق نہیں آ رہی ہے. یہ اسی طرح ہے اور قیامت تک رہے گا. رمضان مبارک کی راتیں قرآن حفاظت کی بجن دہیر ہے کہ اس میں ایک آدمی آگے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور دل کے آئینے میں قرآن کے جمال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو سناتا ہے. دنیا کی کوئی کتاب اس طرح نہیں پڑھی جاتی میرے عزیز دوست. پھر ایک اور بات بڑی حسین ہے قرآن پاک. دنیا کی آپ کوئی کتاب اٹھائیں آپ کو اس طرح بے تکلفی سے آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے گی جس خوبصورتی سے قرآن آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دے گا. کبھی آپ اس سے باتیں کریں, آپ اس کی قسمیں نہ کھایا کریں, آپ اسے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے ایکسپلوائٹ نہ کیا کریں. کبھی قرآن سے پوچھئے, آپ اس سے پوچھیں کہ کیا نام ہے آپ کا. ہر آنے والے سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے نا کہ تمہارا کیا نام ہے. قرآن پاک خود جواب دیتا ہے, کسی مفسر کسی مفکر کسی عالم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. قرآن خود بولتا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید. قرآن مجید نام ہے. آپ اس سے پوچھئے کہ کہاں سے آئے ہیں, یہ خود جواب دے گا فی لوح محفوظ, لوح محفوظ سے آیا ہوں. آپ اس سے پوچھئے کہ تمہیں بھیجا کس نے, یہ خود بولے گا تنزیل من رب العالمین. آپ قرآن پاک سے پوچھئے کہ آپ کو لانے والا کون ہے, یہ خود بولے گا نزل به الروح الامین. آپ قرآن پاک سے پوچھیں کہ آپ کس سے, یہ جواب دے گا نزل على محمد وهو الحق, میں حق اور صداقت کے بین الاقوامی نشان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتارا گیا ہوں. آپ قرآن پاک سے پوچھیں آپ کا مشن کیا ہے, آپ کا پروگرام کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہے. قرآن جواب دیتا ہے ہدل للمتقین, میں اہل تقوا کے لیے روشنیاں لایا ہوں, میں اہل نظر کے لیے اجالے لایا ہوں, میں اہل دل کے لیے سویروں کا نقیب ہوں, میں فرعونوں کو پیوند زمین کرنے آیا ہوں اور یتیموں کو بلند و بالا کرنے آیا ہوں, میں ظالم کا ہاتھ روکنے آیا ہوں اور مظلوم کے آنسو پوچھنے آیا ہوں, میں بہار کو جنت کا وارث بنانے آیا ہوں اور ابو جہل جیسے انسانیت کے دشمن کو جہنم رسید کرنے آیا ہوں. قرآن پاک سے پوچھیے کہ آپ کب آئے, یہ جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ماہ رمضان مبارک میں اتارا رہا ہوں. آپ اس سے پوچھیے کہ کس لمحے میں کس رات میں تیرا حج سے فرش پر نزول ہوا, تو یہ جواب دیتا ہے فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شهر, میں اس رات میں اتارا گیا ہوں کہ میرے اترنے کی وجہ سے وہ رات ہزاروں راتوں سے سینئر ہو گئی. خود بولتا ہے. اور پھر ایک پہلو اور, دنیا کی اور کسی کتاب میں آپ کو اس بے تکلفی سے جواب نہیں میسر آئیں گے جس بے تکلفی سے آپ سے قرآن باتیں کرتا ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں بٹھانے والی ہے کہ قرآن جہاں آیا اسے بلند کر دیا, جس امت میں اترا وہ امت باقی امتوں میں اونچی ہو گئی, جس زمانے میں اترا وہ زمانہ خیر و قرون بن کر باقی سب زمانوں میں اونچا ہو گیا, جس پیغمبر میں اترا وہ پیغمبر امام الانبیاء بن گیا, اور جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے اونچا ہو گیا, جس رات میں یہ نازل ہوا وہ رات باقی سب راتوں سے بلند و بالا ہو گئی. قرآن تمہیں دعوت فکر دیتا ہے, میرے قریب آؤ تم مجھے اپناؤ, مجھے یاد کرو گے تو تمہیں حافظ بنا دوں گا, مجھے اچھا پڑھو گے تو تمہیں قاری کہلاؤں گا, میرے منشا پر جب جہد کرو گے تو تمہیں مجاہد کا نام ملے گا, میری آبرو پہ مٹ جاؤ گے تو تمہیں شہید کہلاؤں گا, اور میرے احکامات سے عمل کرو گے تو تمہیں ولی اللہ کا کریڈٹ دلواؤں گا. دعوت فکر دے رہا ہے, یہ تمہیں کتاب زندہ دعوت فکر دے رہی ہے. اور پھر جو آیت میں نے ابھی تمہید میں آپ کے سامنے تلاوت کی, اس میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا, جس میں کوئی کجی نہیں,
कोई टेढ़ापन नहीं, कोई मुंह हम दालिया नहीं, रोशन जब मजाता हुआ सीधा रास्ता। आज इंसानियत को निजात के लिए एक ऐसे रास्ते की तलाश है कि जहां पूरी बनी ना इंसान, पूरी दुनिया इंसानियत जिस रास्ते पर चल के दुनिया की हालातों से बच सके। कुरान आज सारी कौमों को दावत फिक्र देता है कि अगर तुमने दुनिया में और उकबा में निजात हासिल करनी है, अपनी बेकरारियां खत्म करनी है, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हें टैबलेट लेनी पड़ती है, खान और गोलियां खा के जबरन नींद मुसल्लत करते हो, क्यों बेकरार हो गए हो, मुझे अपनाओ, तुम्हें दुनिया में भी और उकबा में भी सुकून अदा करना। और दुनिया की कोई किताब इस वक्त इंसानी काफले का रहनुमाई करने के कारण नहीं रही, इसलिए कि बाकी सब किताबें बदल चुकी, बाकी सब का हुलिया बदल गया। और फिर ये बाइबल, ये जो लिए चलते हमारे यार इंजील, इसका तो वो हुलिया तब्दील किया कि कोई निस्बत ही नहीं रही इसे असल इंजील से, जो हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम पे नाज़िल हुई। यहूदियों ने तौरात बदल ली, ईसाइयों ने इंजील बदल, और ये तब्दीली आज नहीं हुई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने अकदस कुछ लोग भी, ये झटका हो चुका, तब्दीली हो चुकी। चुनाचे कुरान पाक ने उस वक्त की रुझान बयान किया आपके सामने, ये भी अल्लाह का करम है कि कयामत तक जो चीज नहीं बदली जाने वाली वो कुरान पाक, कयामत तक जो चीज नहीं बदली जाने वाली वो कुरान पाक है, और इसको जो भी बदलने की कोशिश करेगा वो खुद बदल जाएगा। मैंने आज भी कहा कि लीबिया के मामले पर गद्दाफी ने यह बकवास की है कि कुरान में जो जितने पुल हैं वो निकाल दिए जाएं, अब इनकी जरूरत नहीं रही। मैंने कहा इंशाअल्लाह इसके जवाब का वक्त आया है, ये खुद निकल जाएगा इंसानी तारीख। कुरान का एक हर्फ दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, कौन है भाई का राज जो कुरान में एक हर्फ की तब्दीली कर सके। इसमें न कभी तब्दीली आई थी, न अब आ सकती है, न कयामत तक। तौरात बदली गई, यहूदियों ने उसे बदला, इंजील बदली गई, किसने बदला? ईसाइयों ने बदला। और ये बड़ी अजीब बात है कि इन दोनों मुकद्दस किताबों की तब्दीली या उनमें तारीफ जब यहूदियों ने सारा ने की है, तो सबसे पहला बार नबी की हैसियत पे हुआ, पहला बार नबी की हैसियत पे हुआ। और यहूदियों ने और ईसाइयों ने अल्लाह के पैगंबर की हैसियत को तब्दील करना चाहा। आपको तो मैं उठा दूंगा अगर आप इस तरह बता, संजीदा होकर बैठी नबी की हैसियत को उन्होंने तब्दील करने की कोशिश। जहां की पुरानी आदत है कि जब भी उन्होंने वही के अंदर नकल लगाई और वही में चोरी करने की कोशिश की, तो पैगंबर की हैसियत को मुतनाजा बनाया, नबी की जात को मुतनाजा बनाया, ताकि जहनों में कंफ्यूजन हो, जहनों में हिचान हो, और इंसानी फिक्र नजर कियामत के मसले में बहरान का शिकार हो जाए। पैगंबर क्या होता है? इंसानी काफले का कायद होता है ना, बाकी सब फॉलो करते हैं उसे। नबी का उठना, नबी का बैठना, नबी का हर चुल और कमल का हर जली खफी जारिया इंसानियत के लिए मेयार बनता है। क्यों? इसलिए कि पैगंबर कियामत का नुकता है इंतहा, बाकी सारी कियामतें दुनिया भर की कियामतें सिमट कर अगर एक दर्जा हो जाए तो भी नबी की कियामत का मुकाबला नहीं हो सकता। वो बेदाग कियामत है, मंसूर कियामत है, मामूर मिनल्लाह है। उस कियामत पर अर्शे बरी से नजपति की मोहर लगी हुई, लेकिन कियामत के तस्वीर को मुतनाजिया बनाने के लिए यहूदियों ने और ईसाइयों ने तौरात और इंजील में नकल लगाई, और सबसे पहली पहली नकल जिसकी इशार नहीं की है कुरान पाक ने, मुलाजा फरमाइए कि उन्होंने कहां नकल लगाई। وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله پہلی کاروائی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله یہودیوں نے حضرت عزیر اسلام کی انسانیت و بشریت کا انکار کرتے ہوئے انہیں خدا کی جنس بنایا، اور عیسائیوں نے
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशरियत हो असलियत का इनकार करते हुए उन्हें खुदा का बेटा बनाया, खुदा की जिंस बनाया। यहूदी उन्हें कहा कि हमारे नबी हजरत उज़ैर देखने में तो इंसान है लेकिन अंदर से खुदा के बेटे हैं, लिबास बशरी है और अंदर से खुदा की जिंस है, नूरु मिन नूरिल्लाह है। और उन्हीं की क्योर में उन्हीं की सुर में सुर मिलाते हुए ईसाई बदबख्तों ने भी कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखने में तो इंसान है लेकिन अंदर से खुदा के बेटे थे। नबियों को खुदा का बेटा बनाया और खुदा को पैगंबरों का बाप बनाया, ये दोनों नुकता नजर गैर फित्री, अपने इंसानी मांगने के लिए तैयार ही नहीं होती, इसलिए कि उलूहियत और वलदियत एक दूसरे का जिद है। जो इलाह है वो वालिद नहीं हो सकता, जो किसी का वालिद है वो इलाह नहीं बन सकता, इसलिए कि बाप और बेटे के ताल्लुक में ये फितरी बात है। दो जमाने नागुजीर हैं, कभी बेटा बाप का मोहताज बचपन में, बेटा बाप का मोहताज, और बुढ़ापे में बाप बेटे का मोहताज। जो मोहताज है वो खुदा कहते, जो मोहताज है वो इलाह कहते। इलाह तो वही हो सकता है जो न कभी मोहताज था न है और न कयामत तक होगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान में इंसान की जहनी इज़्तिराब और जहनी परेशानी का इलाज करते हुए जो फार्मूला दिया उसमें सबसे पहला इलाज यही कि लम यलिद वलम यूलद, माबूद हकीकी ना किसी से पैदा हुआ ना कोई उससे पैदा हुआ, वो ना किसी का बेटा है ना किसी का बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी कोई बिरादरी नहीं, उसका कोई कबीला नहीं, उसकी कोई फैमिली नहीं, बाकी सब के सब जो फर्ज वाले हैं वो कबीले वाले औलाद वाले। और इला माबूद हकीकी कबीलों से पाक, बिरादरी से पाक के कोई उस पर दबाव डाल सके, कबीले से पाक के कोई उस पर दबाव डाल सके, उसका बेटा भी कोई नहीं कि जो जिद करके मर जाए और अपने बाप से बात मनवा सके। वो तो मुख्तार है, कुल है, जब नहीं मानता तो उससे पैगंबर भी बात नहीं मनवा सकते। रोते हुए नबियों की बात भी नहीं मानता और कोई क्या मजबूर करेगा उसे। पैगंबर ने हाथ उठाए किए आंसू की बरसात में, अल्लाह के उन्होंने इल्तिजा के लिए हाथ उठाए हुए। और पैगंबर भी वो अजीज दोस्तों जिसने 950 साल उसकी तौहीद बयान की, और तौहीद बयान करने के बाद सुई दिशे नहीं मिली, तौहीद कर बयान करने के बाद फूलों के हार नहीं पड़े, वो तौहीद बयान करने के बाद लोगों ने पांव नहीं दबाए, नजराने नहीं दिए, वो तौहीद बयान करने के बाद पत्थर पड़े, गालियां मिली, रास्तों में कांटे बिछाए गए। अल्लाह के कुरान ने उस मुबल्लिग़े आज़म की तबलीग का एक नक्शा पेश किया, फरमाया इन्नी दावतु कौमी लैलन व नहारा। मेरे महबूब तू देख रहा है ना, मैंने तेरी बात तेरे बंदों तक पहुंचाने में रात और दिन एक कर दी, मैं दिन को भी पहुंचाऊं रात को भी इनके पास पहुंचाऊं। फलम यजिद हुम दुआई इल्ला फिरारा, लेकिन क्या करूं नहीं मानते बदबख्त, और इनका मुकद्दर बदलना मेरे बस की बात नहीं। जहां तक मैंने सोचा जहां तक मैंने देखा तो ये लाइलाज हो गए हैं, इनकी बीमारी लाइलाज है, ये खुद भी हिदायत पर नहीं आने वाले, ये खुद भी लाइलाज पर आने वाले नहीं, और तेरे बंदू को भी रोकते हैं, किसी दूसरे को भी हिदायत पर नहीं आने देते। तो खुदा बंदा अब इलाज सिर्फ ये है कि ऑपरेशन कर, जब कोई मरीज दूसरे किसी तरीका इलाज से ठीक न होता हो तो फिर क्या होता है, ऑपरेशन, पहले गोलियां फिर कोई मिक्सर विक्सर इंजेक्शन, ये सब कुछ हो जाता है। और जब ये सारी चीजें कारगर न हो तो फिर वजूद की शांति को बचाने के लिए बीमार हो तो काटना पड़ता है। तो यही नुकता नजर है पैगंबर अकबर का, परमात्मा है खुदा बंदा इंसानियत के इज्तिमाई वजूद की बहाली के लिए ये नाकस हिस्सा काट दीजिए, ऑपरेशन हो जाए। लाजमिन काफिरी
ना दयारा मिटा दे इनका नामो निशान, वीरान कर दे इनकी बस्तियों को, ये बताते हैं तेरे कमजोर बंदों को। इनकी जमीन दर दर से झुकती नजर आती है, पर वे दर्जे के नमक हराम है, तेरा दिया हुआ रिस्क खाते हैं, तेरे अता करता अंताप से मारा मार नजर आते हैं, तेरी दी हुई इज्जत से सब ऊंचा करके चलते हैं, तेरी अता करता और आज से आगे ठंडी करते हैं, नेमते तेरी लेकिन सर दूसरों के आगे झुकाते हैं। इन्होंने अपने आस्थाने बना रखे हैं, वहां मुजावर बिछा रखे हैं, उनसे जाके दुआएं मांगते हैं, उनके आगे जाके सर झुकाते हैं। खुदा बंदा मिटा दे नामो निशान इनका। पांच आस्थाने थे हजरत नूह अलैहि सलाम के जमाना के मुशरिकों के खिलाफ, कितने? पांच आस्थाने, पंजा पीरां की पुजारी कौम, पांच पीर बद सुआ यहूस यहूब और नस्र, ये पांच बुजुर्गों के नाम पर उन्होंने आस्थाने बना रखे। मेले लगते थे, मुजावर बैठे हुए थे, छड़ियां लहरा रही थी, आमदनी हो रही थी, नजराने चढ़ावे कुकर घट्टे पत्ते सब गुजारे थे। हजरत नूह अलैहि सलाम ने फरमाया, खुदा बंदा इनका शिर्क और बिदअत इनके मार से वाबस्ता हो चुका है, अब इनके मफादात बहुत गहरे हैं, नहीं मानने वाले, मिटा दीजिए इनका नामो निशान, ताकि आने वाली नस्ल इंसानी इनके शर से बच सके। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बच्चे मेरा पैगंबर आ रहा है मेरा दाम, वो जमीन जहां कभी पानी की बूंद नजर नहीं आई, पानी उबल पड़ा, और वो पानी जो इंसान को न मिले तो जिंदा नहीं रह सकता, वही पानी माप का पैगाम बन के आ रहे हैं। उसकी मर्जी है ना भाई, हम पानी का गिलास पीते हैं राहत और सुकून के लिए, प्यास बुझाने के लिए, लेकिन जब वो जाए तो वही पानी का गिलास मेरे ले जाने के बाद जहर का काम करता है, और दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई हकीम उसके फैसले को नहीं बदल सकता, उसके फैसले को कोई दुनिया का डॉक्टर और हकीम नहीं बदल। एक बहुत बड़ा मुतकब्बिर बादशाह था, एक प्रवेश से पूछने लगा, तूने मेरी बादशाही और मेरी हुकूमत देखी है ना, कितना बड़ा अजीम हूं, ना कहा मेरे तखीर हूं, दौलत के अंबार है, ढेर है, हुकूमत की मजलत पे बैठा हूं, हजारों की तादाद में मेरे नौकर और गुलाम है, अवाम का इशारा करता हूं, हजारों हाजिर हो जाते हैं, तो तेरी नजर में मेरी बादशाही की क्या कीमत है? किसी दुर्वेश से पूछा, किसी फकीर से पूछा, दुर्वेश ने कहा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सवाल करता हूं, आप मुझे यह बताएं कि अगर आप कहीं जंगल में पहुंच जाए, सब कमी हो, शिकार करने के लिए आप गए, एक जानवर का आप पीछा करते हैं, कोई हिरन या कोई इस तरह की चीज आपके सामने उठती है, आप उसके पीछे घोड़ा दौड़ाते हैं, चले जाते हैं अपने काफले से तक जाते हैं, जंगल में आप गए ऐसे मकान पर पहुंच जाते हैं मुझे आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, वापस जाने के लिए आप सोचते हैं कितने घंटे मैंने घोड़ा दौड़ाए हैं तेज रफ्तारी के साथ, अब पता नहीं वो कहां मिलेंगे जो मेरे साथी हैं, प्यास आपको शदीद लग रही है, जंगल है पानी मिलता नहीं है, आप सोचते हैं कि अगर पानी न मिला तो मर जाऊंगा, कोई आदमी कोई चरवाहा जो अपना रेवर लिए हुए है जंगल में वो नजर आता है, उसके पास पानी का एक गिलास है, आप उससे पानी का गिलास मांगे और वो कहे तो अभी शाही दोगे तो पानी का गिलास दूंगा, तो क्या ख्याल है आपका, मर जाना पसंद करोगे या अभी शाही देकर पानी लेना पसंद करोगे? उसने कहा इसमें कोई शक है कि पानी का गिलास लूंगा, अभी शाही चाहे मुझे लेनी पड़े, मरता क्यों हूं? उसने कहा अच्छी बात है, आपने पानी पी लिया और वही पानी पेट में जाके बंद हो गए, आपके पेट में दर्द हो गए और दुनिया भर के हकीम डॉक्टर इधर उधर से आपने मंगवाए लेकिन ठीक नहीं हो रहा, दर्द है, पानी निकलता ही नहीं, पेशाब बंद हो गए। एक हकीम या एक कोई डॉक्टर ऐसा मिलता है कि जिसके पास कोई इलाज है, फार्मूला है, वो कहता है मैं दवाई दूंगा फौरन आपको शफा हो जाएगी, लेकिन इसको ये शक ये है कि आप आधी हुकूमत मेरे नाम कर, आधी शाही मेरे नाम कर दें, तो आपका क्या ख्याल है, आप उससे दवाई लेंगे आधी शाही लेकर या मर जाना पसंद करेंगे? उसने कहा भाई ये भी कुछ सोचने की बात है, दवाई लूंगा जान बचाऊंगा, तो दुर्वेश ने कहा आपके सवाल का जवाब यही, आपकी सारी शाही और आपकी सारी दौलत की कीमत पानी का एक गिलास और पेशाब के चंद कतरे, जिससे आपने अपने खुदा को भुला दिया है, जिस दौलत ने और शाही ने आपका दिमाग खराब कर दिया है, आप इंसानियत से ही बाहर चले गए हैं, यही कीमत है आपकी सारी दौलत और आपकी बात चाहिए।
और इस सिलसिले में सारे हजरत अली रजी अल्लाह तआला होगा। बड़ा अजीब होना मेरे अजीज नौजवानों, अल्लाह ताला आपको बेपनाह इज्जत अता फरमाए, अल्लाह आपको बुलंदियां नसीब करे, लेकिन कभी अपने मौसम को न भूलना, कभी अपने खुदा को न भूलना और उसके कमजोर बंदों को न फताना, इसलिए कि नेमतें देने वाला लेना भी जानता। अगर अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, जिस दौलतमंद का दौलत दिमाग खराब कर दे और जिस जवान को जवानी आते से बाहर कर दे, उससे कहो कभी बाथरूम में जाकर अपनी शख्सियत पे गौर किया कर कि तू क्या है, तेरी क्या हैसियत है। ये तो उसका क्रम है कि गंदगी के ढेर पर उसने इंसानी शराफत की चादर तान दी है, और न तेरी हैसियत क्या। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत नूह अलैहि सलाम ने फरमाया, खुदावंदा बिदाई ने पैदा कर, पानी उबल पड़ा जमीन से, जिस पानी के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता, वही मौत का पैगाम बन के आ गया। हजरत नूह अलैहि सलाम का सफीना पानी की बिखरी हुई माजू पे डटा हुआ जा रहा है। कुरान ने नक्शा खींचा, वही तजरीब मौजिन कर जीवार, हजरत नूह का सफीना पानी की मौजू पे यूं टिका हुआ है जैसे पहाड़ देवता की पानी हो और उसमें कोई लज्जिश पैदा नहीं होती, चल के जा रहा है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने नजर दौड़ाई उन बदनसीबों की तरफ जो खुदा के अजाब की जद में थे, हलाक होने वाले थे, उन पे नजर दौड़ाई तो अपना बेटा उन्हीं में नजर आया। लगते जिगर हलाक होने वालों में नजर आया। कुरान चला रहता है कि नादा नूह रब्बहु, पहले अपने बेटे को दावत दी, या बुनी अर्कब माना वला तकुन माल काफिरीन, बेटा मेरे सफीने पे आ जा, काफिरों का हामी ना बन, तबाह हो जाएगा। लेकिन बेटे को चूंकि हलाकत आने वाली है तो गुरूर और तकब्बर ने आपे से बाहर कर रखा। अपने शफीक बाप की नसीहत से उसने कोई काम न करे बल्कि इतना लापरवाही से जवाब दिया, सारी इलाज अगर अगर पानी आ रहा है तो घबराने की क्या जरूरत, हम पहाड़ पे चल जाएंगे, पानी तो नशे में चलता है ना, अगर कोई तेरा खुदा है तो उसे कहना पानी पहाड़ पे भेज के दिखाए। यासिमुनी मिनल मा, पहाड़ की बुलंदियां हमें तेरे खुदा के पानी से बचाएंगी। रोशन जमीर पर अंबर ने फरमाया, बदमंद बाप ने बदनसीब बेटे को कहा, लाजिम यौम मिन अम्रिल्लाह, आज अल्लाह के अजाब से कोई दुनिया की ताकत बचाने वाली नहीं, वो तो पानी वो नशेब में चलता है जो अपनी मर्जी से चल रहा हो, लेकिन आज का पानी उसने भेजा है, वो पत्ती उसे पहले बुलंदियों पे पहुंचेगा, नशेब से पहले फरहाद पे पहुंचेगा, नहीं बचोगे बेटा। लेकिन नहीं मानी कि नाज ने बात, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुजूर इल्तिजा कर दी, दहा नादा नूह रब्बहु, दहा नूह रब्बहु नहीं कि खुदा से नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी ना, नादा नूह रब्बहु, बेटे को हलाक होते देख कर नूह की चीखे निकल गई और रोते हुए इल्तिजा की, खुदा बंदा बचाना मेरे बेटे को, इसलिए कि तूने वादा किया मेरी आग में से किसी को हलाक नहीं होने देगा, वही नवादा कर रहा, और तेरे वादे तो सच्चे होते हैं क्योंकि अंत आकमुल हाकिमीन, तो सबसे बड़ा हाकिम जो हुआ तो वादा सच्चा करना। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्राइल जल्दी पहुंच, मेरे पैगंबर की दुआएं और निदाएं खत्म न हो के मेरा जवाब पहले पहुंचे। अगर नूह अलैहिस्सलाम की महवी निदा हुई, रब्बुल इज्जत की बारगाह से नक्त जवाब आया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, पहले ये नहीं बताया कि मैं तेरे बेटे को बचाता हूं या नहीं बचाता, पहले ये बताया कि जिसे तूने अपनी आल कहा वो तो तेरी आल में से है ही नहीं, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, खुदा अंदर क्यों मेरी आल में से नहीं, क्या मेरी बीवी ने खयानत की है। अब्बास ने फरमाया, पैगंबर की बीवियां खयानत नहीं किया करती, जो खयानत करने वाली औरत हो मैं उसे नबी के घर में जाने क्यों दूं, कभी ना भूलना, नबी के घर जाने वाली
जहन की बीमार तो हो सकती है लेकिन किरदार की बीमार नहीं हो सकती। जहन की बीमार हो सकती है, अकीदे की बीमार हो सकती है, लेकिन किरदार की बीमार खातून खुदा की खैर के खिलाफ है कि वो नबी के घर जाए। ख्यालत नहीं हुई पैगंबर तो फिर राहुल नबी मेरी बीवी ने जिसे जन्म दिया, जिसे मैंने अपनी गोद में पाला, जो मेरे आंगन में खेलता रहा, जिसकी रगों में मेरा खून दौड़ता है, वो मेरी हाल क्यों नहीं? राहुल नबी ने फरमाया पैगंबर आपको किसने कहा कि नेकों की और पैगंबरों की नजर खून से चलती है? ना ना ना, नबियों की नजर नेक लोगों की नजर खून से नहीं चलती, अकीदे से चलती है, किरदार से चलती है। इसने तेरा अकीदा नहीं अपनाया, जिस रात का पता नहीं, लग खोलने की भी इजाजत नहीं, बस खामोश रही और देखते रहिए कि क्या होता है। लेकिन खुदाबंद आखिर बाप जो हूं मुझे सही, लेकिन मेरा खून तो है, मैं उसे हालात देखकर कैसे चुप रहूं? इतनी मोहब्बत में जो हलचल मची हुई है, और गुलाम अली ने फरमाया पैगंबर अगर तेरी इतनी मोहब्बत की बात है तो मेरी भी तो गैरत की बात है। जितने दूसरों के आगे सर झुकाऊं उसे कैसे माफ कर दूं? मैं सबको माफ कर सकता हूं लेकिन मुझे को माफ नहीं किया करता। ये गैरत का मतलब है ना। अगर आपने दोबारा अपने कुछ बेटे की सिफारिश के लिए हाथ उठाए अंत नल जाहिल तो नबूवत भी हो जाएगी, आप भी जाहिरों में खड़े होंगे। इससे बड़ी तंगी हो सकती है पैगंबर के लिए? इससे बड़ी क्या तंगी हो सकती है? खुदा की कसम आज कोई किसी से कहे अगर तूने ये जुर्म किया तो सूली पे लटका दिया जाएगा। ये तंगी इतनी संगीन तंगी नहीं है जितनी ये तंगी है। क्या आपने मुझे बेटे के लिए दोबारा हाथ उठाए तो नबूवत भी हो जाएगी अंत नल जाहिल जाहिरों में खड़े नजर आएंगे। मेरे अमीर दोस्तों दो बातें हल हो गई, पुराने बात में दो बातें हल कर दी। एक तो ये मेरी जात के लिए किसी नेक का बेटा होना काफी नहीं, किसी नेक का बेटा होना काफी नहीं। जैसे आजकल लोग कहते हैं और कोई गलत बात हो भाई पता नमाज से ना पड़े कि नहीं रखता रोजे ना रखे, थोड़ा सा रूल कैरेक्टर भी है पर लेकर भी और आते हैं नदी तीन स्नान करना है। तो आजकल का कोई बद किरदार किसी नेक की औलाद हो तो वो नेकों की निस्बत उसे कैसे बचाएगी? पुराने बात में दो बातें वादे करती वादे करती। एक तो ये कि किसी नेक का बेटा होना जरूरी नहीं। हजरत अलू अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप जहन्नम में गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा जहन्नम में गए, ठीक है, और अभिषेक का बिलाल जन्नत में पहुंच गए। वो हसी क्या आम आप लगी जो गुलाम था उबजा का उबर कर जाम थे तो कमली वाले की गुलामी नसीब हो गई। फिर यह उरूज मिला है बिलाल हबशी को कि जब मदीना की गलियों में चलता था तो उसके चलने की आवाज जन्नत तक सुनाई देती। मौलवी कहता मैं कभी न मानता, रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया कि बिलाल जब मैं मेराज कर रहा हूं तो मुझे तेरे मदीना में चलने की आवाज जन्नत में महसूस होती। एक पहिया कीड़ा बिठा लो अपने दिल की गहराइयों में, फिर कोई लंबे जुबे वाला हरी पगड़ी वाला मकार आया रात को फिर मिसाइल करे तो देखा भी औलाद नीच बढ़िया बरतता हूं दिया ने बात छोट। एक तो ये बात देर में बिठा कि निजात के लिए पैगंबर का किसी नेक का मुर्शिद का वली का बेटा होना काफी नहीं, गुलाम होना जरूरी है। गुलामी अगर कोई दूसरा भी करेगा तो पार हो जाएगा, गुलामी अपना बेटा भी नहीं करेगा तो मारा जाएगा। और दूसरी बात पुराने पाक ने यह वादे की कि उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। मानने पे आ जाए तो मानता भी खूब है और न माने तो कोई उससे मनवा नहीं सकता, क्योंकि मुख्तार कुल कौन है? अल्लाह। आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वादे पाक में कह दिया ला अकूलु लकुम मिन दी खज़ाइनुल्लाही, मेरे पास उसके खजानों का इख्तियार नहीं, इख्तियार उसी के पास, वो देता है मैं तकसीम करता,
वो जिसे चाहता है माफ करता है, जिसे चाहता है हराम करता है। और मैं तो कहा करता हूँ खुदा की कसम, अगर मेरे आका के इख्तियार में सब कुछ होता तो कोई एक भी इब्ने आदम जहन्नम में न जाने पाता। मेरे आका की रहमत सब इंसानों को जन्नत में भेज दी, लेकिन इख्तियार उसी के पास। पूछा जाने पे अमर ने हुजूर, जब दुश्मन कब्जे में आ जाए तो कैसे इंतकाम लिया जाए, जैसा इंतकाम का तरीका क्या है? जिसने हमें सताया हो, जिसने हमारे बच्चों को यतीम बनाया हो, जिसने हमारे वतन छुड़ाए हो, जिसने हमारी इज्जतें लूटी हो, जब वो दुश्मन काबू में आ जाए तो क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे अगर आपके काबू में आ जाए? मेरा ख्याल है बताया मुझसे पूछो तो फिर जब दुश्मन काबू में आ जाए तो उसे माफ कर देना। मुझसे पूछते हो तो जब दुश्मन काबू में आ जाए उसे माफ कर। और फिर ये मेरे आका ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। इसी रमजान मुबारक की 20 तारीख को फाते बनकर राहत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, 10 तारीख को मदीना से चलकर 20 को मक्का में फाते बनकर दाखिल हुए। अब्दुल्लाह का यतीम उस शहर में फाते बन के आता है जिस शहर के बाशिंदों ने 8 साल पहले इसी शहर से हिजरत करने पर मजबूर किया। मेरे आका जब वाजे बन के जा रहे हैं तो सिर्फ दो है, रहमतुल्लाहिमीन है और सिद्दीक अकबर है। और जब फाते बन के आ रहे हैं तो 10,000 कुर्सियों का लश्कर है, 10,000 सहाबा का लश्कर और दुनिया कुफर के नुमाइंदे काम रहे हैं, काम रहे हैं लड़कों और अंदाज जारी पहले थर थर कम देता उर्दू कोई जवाब नहीं, थर थर कम देता। उनको पता था ना कि हमने सताया आज सताया जाएगा, हमने सताया आज सताया जाएगा। लेकिन जब हजरत साहब बिन वादर अंसारी कबीले का आलम करता है, देखता है अबू सुफियान एक कोने में हैरत में देख रहा है कि ये अब्दुल्लाह का बेटा, हाँ ये कल बकरियां चलाता था आज इतना ऊंचा हो गया, हैरत में डूबा हुआ है। साहब की नजर पड़ गई, साहब ने झंडा लहरा के ललकारा दुनिया कुफ्र के लीडर को, यम यम मलहमा ओ बताने वालों तैयार हो जाओ, आज हम भी आ गए हैं तुम्हारे जुल्म का हिसाब लेने के लिए, तुम्हारे मजालिम का हिसाब चुकाने के लिए। हाँ ये कल बकरियां चलाता था आज इतना ऊंचा हो गया, है अपने डूबा हुआ है। सांप की नजर पड़ गई, सांप ने झंडा लहरा के ललकारा दुनिया कुफ्र के लीडर को, यम यम मलहमा ओ बताने वालों तैयार हो जाओ, आज हम भी आ गए हैं तुम्हारे जुल्म का हिसाब लेने के लिए, तुम्हारे मजालिम का हिसाब चुकाने के लिए हम आ गए हैं। आज हम बिलावल की चीखों का हिसाब लेंगे, आज हम सुमैया की तरफ का हिसाब लेंगे, आज तुमने उबैद को घरों पर लिटाया था उसका भी हिसाब लेंगे, आज हमारे यासर के खानदान के आहू का हिसाब लिया जाएगा। हर यम यम सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई, आपने गुस्से में फरमाया साहब से कि मैंने तुझे झंडा इसलिए तो नहीं दिया कि तू इंतकाम और बदले के नारे लगा, झंडा दे दिया उसे और उनके बेटे हजरत आम को दे दिया। फरमाया तू इस काबिल नहीं है कि तुझे झंडा दिया जाए, अब के हुजूर मैं तो इनको चला रहा हूँ जिन्होंने कल हमें सताया था। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जानता हूँ इन्हें, इस शहर को भी जानता हूँ, यही वो शहर है जिसकी गलियों में कांटे बिछाए जाते थे मेरे लिए, यही वो शहर है जिसकी औरतें कूड़े के बर्तन लेकर इंतजार किया करती थी मेरे लिए, आज जब मैं गुजरता हूँ मेरे जिस्म से कूड़ा फेंक दिया जाता। जानता हूँ इस शहर को, इन लोगों को भी जानता हूँ, यही तो मेरे पीछे होटिंग के लिए जुलूस निकाला करते थे, मुझसे कोई भी फेंक दिया करते थे, मुझे पत्थर मार मार के लोग लुहान कर दिया करते थे, इन्हें जानता हूँ। लेकिन ये भी मुझे जानते हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे जानते हैं कि मैं जख्मी होकर बैतुल्लाह में पहुंचा करता था और बैतुल्लाह का गिराव थाम के इंतजार करता खुदा बंदा अपने महबूब को जख्मी देख कर कहीं तरह का जोश में ना आ जाए, अपने महबूब को जख्मी देख कर कहीं तेरा जलाल जोश में ना आ जाए,
के किसी मुंह से अगर मेरे मुंह से इनके लिए बद्दुआ निकल जाए तो कभी इन्हें हलाक न करना। अगर मैं कहूँ भी कि इन्हें हलाक कर दे तो तू कभी इन्हें हलाक न करना। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत साहब से ये बताने के आदी है, हम माफ करने के आदी है, जाओ और मक्का के गरीब को तुम नारा ग्रहण करो मेरी तरफ से, अल्लाहुम्म अरहमुल मरहमा। आज माफी का दिन है, बदले का दिन नहीं। आज तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आज अब्दुल्ला का यतीम, आमला का मोटे जिगर तुम्हें इंतकाम और बदले की आग में झोंकने के लिए नहीं आया। जरा बाहर तो निकलो, आज मोहम्मद तुम्हें सीने से लगाने आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दुनिया की लीडरशिप को खंगालिए, दुनिया की लीडरशिप का मुताला कीजिए। मुझे कोई ऐसा कायद दिखाइए तो सही कि जो अपने दुश्मनों को इस वसी उदर्ती से माफ करना जानता। और फिर कहा नहीं करके दिखाया, किसी की उंगली भी तो नहीं कटी। बेटियों की इज्जत की हिफाजत हुई, बहनों के सर के दुपट्टे की हिफाजत हुई, मक्का के बच्चों को यतीम नहीं होने दिया मोहम्मद के इंकलाब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज मोहम्मद माफ करता है, सुनता है, और कभी 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 तो यूं सुनता है कि मामने वालों को हैरान कर देता। हजरत जब याद्राम बुढ़ापे में हाथ उठाए हुए और करते खुदा बंदा और आज कोई नहीं, और कहते उस वक्त है जब हजरत मरियम के पास आते हैं, मरियम के हुजरे में बगैर मौसम के फल देखते हैं। मुआवजा की जरिए से थे नहीं के फ्रूट पैदा हो अफ्रीका में और बिके यूके में, इंग्लैंड में, ओल्डम में, आम पैदा हो मुल्तान में और बिके ओल्डम में, ये तो था नहीं ना उस जमाना में। देखा कि शरीर सर्दियां है और ताजा खजूर हजरत मरियम के पास पड़ी है। बना दे बेटी अल्लाह लग यहाँ कहा ले जा रही हो, किसकी तरफ से आई है? अल्लाह का। अच्छा कोई मुरीद हो लड़की का आवाज हो सरकार की बरकतन की वजह सारी मेहरबानी रहेंगे। आपके जिले में एक मेरा दोस्त है, पक्का जाहिल होता है नहीं, अक्सा होती है दोस्तों की भी, दोस्तों की किस्में होती है, आला दर्जे का जाहिल था। एक दिन मेरे पास जमींदार है, बड़ा ऐसा खाता खाता पीता है, अल्लाह का बड़ा फजल है उसका, उधर था गए दरबारी था, मेरी कोई तकलीफ सुनी, अल्लाह ने फजल कर दिया, ठीक हो गए। मैं वहां चला गया, मुझे दूर से जो देखा गाड़ी से उतरते हुए कार में होगी, दूर से जो देखा उठा वक्त तक आया और आके मेरे गले लगा। मैंने कहा मुबारक हो तौली साहब, अल्लाह ताला ने पुत्र दिया। कहने जी अल्लाह ने गला छोड़ो मेहरबानी है, अल्लाह ने देना अल्लाह ने पहले दिन ये तो मेरे द्वारा नहीं की थी कि पूछिए कहता मैंने नाम किया भी पढ़ते हो। मैंने कहा खुदा बंदा जो जाहिल बंदा है तेरा और मेरा दोस्त, इसकी बातों को दरगुजर करना, इसे जब पता चल जाएगा तो फिर ऐसी बातें नहीं कहेगा। अब बेचारा जहारत में करा, अल्लाह के हर काम में हिम्मत होती है, कुछ दिनों के बाद पता चला हुआ बच्चा फौत हो गया। मेरा जाना हुआ करने के सिलसिले में जाना हुआ तो मैं वहां चला गया ताजियत के लिए। अब ताजियत के लिए गया तो चेहरा लटका हुआ वीरान बेचारा परेशान बैठा, अब न उठा इस्तकबाल के लिए न पुरजोश हो गया। आके मिला, हम जब गए हैं तो बस थोड़ा सा उठा मिला। मैंने कहा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको इसका बदल अता करें। अरे जी अल्लाह करके सुन ले, मैं क्या इनका जन्म किस्मत समझिएगा, कैसी अजीब जहियत, जम पड़े तो तिरंग तक मर जाए तो अल्लाह की मदद दे दे, पीर ने अल्लाह का गम गर्दन बढ़ाने पीर हमारे पीर मैं तो फरमान जाऊं मरियम का बेटा खूबसूरत पीता है। ये नहीं फरमाया कि आप खुदा का बेटा है, आपकी मेहरबानी से सब कुछ मिल रहा है ना, बनाती
उसी का कर दे। अगर सफिया यात्रा तो उसका रूप बना देती, मैं भी जानता हूं कि उसी का रूप से उसी की मेहरबानी है, लेकिन मौसम नहीं है। वो रित रहता है, कुछ जाते हैं उसके रित रहने के मौसम होता है, ये तो मौसम नहीं है। जब वो देने पे आता है, हिसाब भी नहीं करता, मौसम को भी नहीं देखता, बेहिसाब देता है, बगैर मौसम के भी देता है। अगर देवरी हमको तो जूते दिया, लेकिन आप अपने सीने खुदता और जूतेदार हो गई, अपने सीने में कोई भी तमन्ना बच गई, और जब आप उठा के आ सकते हैं खुदा बंदा, रब हरी मिल्ला तुम कर रही अतर परिवा, मेरे पास सफेद हो गए, नातवानी छा गई, जमीन हो चुका हूं। अगर तेरे तो आज मुताबा ये डिमांड मौसमी नहीं, लेकिन मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो बूढ़े सक्रिया को देता भी अता कर। और कुरान कहता है हुनर का, जक्रिया ने यह इल्तिजा कभी नहीं की थी खुदा के सामने, आज की कभी बेटा नहीं मांगा था। अगर मरियम के हाँ ये मंजर देखते हाँ बुलंद हो गए कि अगर मरियम को बगैर मौसम के फल दे सकता है, तो फिर मुझे भी पाकीज़ा बेटा कहकर ज़ुर्रियतन तैयबा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्राईल आज अकेला नहीं जाना, आज वक्त लेके जाइए आज से वहीं से, और जब भी जाइए मेरा ज़ुर्रिया बेटा मांगता है मुझसे, इसे अल्लाह से बेटा मांग रहा है, जब भी जाइए ज़ुर्रिया की दुआएं हिलते जाए निदाए खत्म न होने पाए, तो मेरी तरफ से बेटे की खुद को भी चेहरे को उतार दो। पुराने पाने अभी ज़ुर्रिया की दुआएं जारी है, अभी निदाएं जारी है, वह मकारी वही सली फिर मेहराबी अन्नायु बच्ची रो कर यार तूने पुकारा, मुबारकबादी को हम कीजिए, अल्लाह ने आपको बेटा देने का फैसला कर लिया, नाम भी खुदा ने खुद तबीर किया, मुसब्बी कम भी करी मारी नाही वसंती नम हसुआ वनवी अमिनत्वाहीर, बेटा तेरा होगा तो उम्र मेरा होगा, उसके घर से मुनव्वर का तारी रखूंगा, वो मुसब्बे होगा, वो सैयद होगा, और उसका दामन इतना काफी दार बेटा होगा कि तेरे बेटे की तरदारी पर मेरे पैसे ही वजू करना पर माजूर करेंगे। दुआ पूरी हो गई, इल्तिजा पूरी हो गई, अगर करते अल्लाह यकूल ली गुलाम, खुदा बंदा मैंने मांग लिया तूने देने का ऐलान कर दिया, लेकिन होगा कैसे। वकाल इमराती आखिरा, बीवी तो मेरी इतनी बुरी है कि बच्चे का सवाल कर लो, और वक्त बढ़ा नहीं अलती रही, मैं भी तेरे सामने हूं, मेरा व्यापार गई थी भी वादे है, तो खुदा बंदा खुशहाली तो था आंखों पर, लेकिन कैसे कदालिक अभी है, ये पंजाबी का ठिकाने में पटप्पर जी गल हुआ है, लेकिन हमें आया कितनी देर एक कदाल काल कदालिक मेरे बराबर मैंने देना है, किसी काम वाली सरकार से तो नहीं मांगा तूने, हाँ किसी दुनिया वाली सरकार से, किसी कुटिया वाली सरकार से, किसी पीर गड़बड़ साहब से, किसी मिर्चू शाह से तो नहीं मांगा आपने, सुल्तान सरकार से तो नहीं मांगा आपने, मुझसे मांगा है मेरे पैगंबर, उसकी भी आएगा बेटा, तू बूढ़ा है सही है, तेरी बीवी बच्चे जन्ने के काबिल है सही है, लेकिन मैं तो मुख्तार कौन हूं ना, मेरे दाए प्यार से तो कोई चीज बाहर नहीं, कौन कहता हूं तो आसमान बुलंद हो जाता है, कौन कहता हूं तो जमीन बिछ जाती है,
कुल कहा तो आसमान से काफले बादलों के रवाना बना हो गए, कुल कहा तो समुद्र और जल हो गए, कुल कहा तो दरिया बहने लगे, कुल कहा तो मुख्तलिफ बोलियों में परिंदे तहकने लगे, कुल कहा तो आसमान का दामन सितारों से तड़प उठा, कुल कहा तो चांद चांदनी लेके आ गया, कुल कहा तो सूरज किरने लेके आ गया, कुल कहा तो सुबह पर सवेरा मिल गया, कुल कहा तो रातों को अंधेरा मिल गया, कुल कहा तो शाम के सीने में खंजर तड़प हो गया, कुल कहा तो कायनात सज गई, अब कुल कहूंगा तो तुझे बुढ़ापे में बेटा भी मिल जाएगा। जब मानता है तो यूं मानता है, ये मानने वाले को हैरान कर देता है। आप करो उन्होंने अम्मा ने मारा है इसलिए होगा। आप देखते हैं जब यहां हजरत अबू हुरैरा होते हुए आए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अब क्या जो मारे मारे मार खा के आया इसलिए रोता। वो जमाने कहां से ढूंढ के ला, जब माओ की मार खा के बेटे होते, और अब ना ना सरकार सुन लीजिए, अरे आपकी मर्जी सरकार मालूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के मुताबिक सुना कि सरकार में मुबतला है, कई दिनों से जान नहीं निकलती। अब आपने आपको बताया, रजाकारों ने आपको बताया, हुजूर हमने उसके सामने बैठ के कुरान पढ़ा, लेकिन कई दिनों से विचारा जा रहा है, मुबतला है सरकार में मुबतला है। सरकार इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बस किताब तो नहीं था, लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत लेट बहुत लेट था, माथे से सज्जू का निशान है उसके, नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, बहुत अच्छा था। उन्होंने पूछा वार बहन जिंदा है उसके, अब की अगला वार का जिंदा है, उससे पूछो वो आ सकती है या मैं आऊं, अगर वो चल सकती है तो यहां आए, और अगर वो नहीं चल सकती तो फिर नबूवत उसके घर ले जाए। जब उस बूढ़ी ने सुना तो काम उठी, क्या आप मेरे पास आना चाहते हैं, और जो आशक होते हैं वो घर से नहीं बुलाया करते, वो खुद जाया करते। ये बड़ापति आज आज पैदा हुए, दो चार से जलेबी मंगवाई, एक दो प्लेटें लड्डू मंगवाए, और इधर उधर खड़े हो गए, नदी को बुला लिया, खड़े हो गए, नदी आ गए हैं, चक्कर बाजो वो आ गए हैं, तो कुछ कर बुढ़ लिया, कुछ खा पी लिया, कुछ पर बुढ़ लिया, तो नदी रुखत हो गई, जिस वक्त मर्जी आगे बुला रहे हैं, जिस वे मर्जी आगे रुखत कर दें, जो जाकर वो घंटी बजाते हैं, नंबर हार दें कि यह पर फिर बात करें, जब चलेगा जब चाहे नदी को बुला दे, और जब चाहे रुखत कर दे। इस दौर के बृहस्पति आज पैदा हुए, अजमी फनकार, अजमी फनकार, और कोई इन जाहिलों से पूछे, तुम तो कहते हो हुजूर आ जाते हैं हमारे, तो पहले कहां होते हैं, जो आ जाए वो वही आता है जो पहले ना आना हो। आज अब्दुल मजीद नदीम शाह ने आना था आपके, इतने के पहले यहां नहीं था ना, तो फिर हर वक्त मौजूद होने का तत्वर क्या बनेगा, इधर घूमते हैं तो उधर उधर की है, उधर घूमते हैं तो इधर उधर। मेरे अजीज दोस्तों, उस बूढ़ी के कुकर नजर आते, मेरे आका आना चाहते हैं, तैयारी कर रही, उसने बार जाए नौमत ने खुद को दी, आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मारी, हमने सुनाया थे तेरा बेटा मुबतला है इम्तिहान में, क्यों वो कहने लगे जोर ना करा रही तो हम देती हूं, मेरा बेटा पक्का बना दीता, इसने जहाज में भी हिस्सा लिया, मुहैया भी था, कुरान भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, तबलीग भी करता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सारी बातें सही है, लेकिन ये बता कि तू उस पे राजी है कि नहीं। अब बूढ़ी ने क्या नीचे कर, और उसकी बूढ़ी आंखों से आंसू टपका है, कहने लगी आता मुझे अब दिन कभी नहीं भूलेगा, जिस दिन ये घर में नहीं था, इसकी बीवी से मेरा किसी मसले में इख्तलाफ हो गया,
मैंने हुज्जत करके कहा थे बेटे को बताऊंगी, लेकिन जब ये घर आया तो बीवी ने पहले तरफ पढ़ा दिया, और जब मैं इस्तेमाल करने कर गई, जब मैं शिकायत लेके गई तो इसने मुझे झिड़का, और बीवी के कहने पर इसने मुझे बूढ़े गालों में थप्पड़ मारा। वो मुझे नहीं भूलता, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे वो नहीं भूलता, इसलिए मैं इस पर राजी नहीं हूँ। भगवान सरकार वालों से मिलना रहता हूँ, खड़े हो गए सबके हिसाब में, खड़े हो गए और फरमाया जिसकी मां इस तरह लड़ा दो, चाहे वो नमाजी गाली काली ही क्यों ना हो, वो किस काले है जो उसे जला रह जाए। लकड़ियां जमा करो, हम इसे आग में जिंदा डालेंगे। और हमारे लिखा है कि यह पंडित थी सारे महाराज होता सरकार वालों की जुबान से जो ये सुना धोरी ने तो दोबारा हो गए जमीन पे रह गई। और अब करती हूँ मेरे बेटे को जला लिए मत, इससे बचने की कोई सूरत है तो बताइए। और आगे फरमाया अगर एक सूरत है तो इसे माफ कर दे, जल्दी जल्दी कहती है खुदा भी सुन ले, खुदा का पैगंबर भी सुन ले कि मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। इधर किसने कहा माफ कर दिया, उधर उसने कलमा शहादत करके जान दे दिया और छुटकारा हो गया। कभी माफ नहीं होगा हमारे धर्म का। गुस्सा और गजब अगर आपने उन्हें गुस्से और गजब से झिड़का है, कुरान कहता है दो फैसले अटल है, एक ये कि अगर तुमने मेरे साथ किसी को शरीक बनाया तो माफ नहीं करूंगा, और दूसरे अगर तुमने वालदेन का दिल दुखाया तो माफ नहीं करूंगा। अगर आसमान रोते हुए आए हैं सरकार आदम सल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों रोते हो अबू हुरैरा, और किया माँ ने मारा है। आका ने पूछा क्यों, अबू हुरैरा ने क्या जोर मेरी मां भी तक मुझका है मुसलमान नहीं हुई, और मैं आज के तक मुझसे उठ के घर गया तो मुझसे पूछा कहां गए थे। अबू हुरैरा ने किया मां जी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा था, वहीं से उठ के आ रहा बस जरूर आपका नाम सुनकर मेरी मां गुस्से में आ गई, और मेरी मां ने मुझे कहा कि फैसला कर लो जिंदगी भर के लिए मेरा घर छोड़ते हो या रसूल का दर छोड़ते हो। तो मैंने कहा मां जी सिर्फ तेरा घर तो कोई शायद हो, अबू हुरैरा सारी कायनात को छोड़ सकता है लेकिन मोहम्मद अरबी का दर तो नहीं छोड़ सकता। तो फिर गुस्से में आकर मेरी मां ने मुझे मारा है, घर से निकाल दिया। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा हम क्या करें, मां बेटे का मतलब है हम क्या करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हुज़ूर मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आप दुआ करें अल्लाह मेरी गुमराह वालदा और मेरी मुशरिका मां को ईमान की रोशनी अता कर दे, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि मेरी मां जहन्नम से बच जाए। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करी हाथ उठाए और अबू हुरैरा ने दौड़ना शुरू की, बेताब का दौड़ता जा रहा है। किसी सहाबी ने देखा कि अबू हुरैरा जैसा दुर्वेश जो कभी ऊंची आवाज से बोला नहीं, कभी तेज कदमों से दौड़ा नहीं, इस कदर तेजी से दौड़ता जा रहा है कोई आम खबर तो नहीं। हजरत अबू हुरैरा के पास जाकर दोस्त ने दामन पकड़ा अबू हुरैरा का और पूछा क्या बात है इतनी तेजी से क्यों दौड़ते जा रहे हो। अबू हुरैरा ने दौड़ते दौड़ते दामन छुड़ाया और दोस्त से कहने लगा मुझे मत रोको, मैं आज घर जाके देखना चाहता हूं कि पहले मैं पढ़ता हूं या कमली वाले की दुआ पहुंचती है। घर पहुंची है दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से मां ने पूछा क्या बात है। अबू हुरैरा ने अर्ज किया बेटा है तेरा और कौन है, दरवाजा खोलिए। माता ने कहा मत तेजी कुछ देर के बाद दरवाजा खोलूंगी, जरा इंतजार करना पड़ेगा। अगर अबू हुरैरा फरमाते मां की आवाज सुनकर मेरे दिल ने फैसला लिया कि रहमत आलम का तीर निशाने से लग चुका, इसलिए कि मेरी मां के लेने में कुफर की तखियां नहीं थी, ईमान की लज्जत का फरमा थी। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला, फरमाते हैं मेरी वारदा के चिकन सफेद बालों से पानी की बूंदे टपक रही और चेहरे से ईमान की रोशनी नुमाया हो चुकी। मैंने पूछा दरवाजा किले से खोला है, कहने लगी बेटा तेरे जाने के बाद कुछ देर थोड़ी देर गुजरने के बाद मुझे चोट लगी सीने से और दर्द पड़ी दिल से कि लानत है उस जिंदगी पर
जो कमी वाले के कदमों से दूर गुजर रहे उधर हाथ उठे और इधर दर्द बंद तो नहा ही थी जिस धो रहती हूँ पानी से मैंने जिस उनकी गिरावट साफ कर दी है अब आका के कदमों में पहुंचा देता कि मेरे रूह की गिरावट से तेरा मोहम्मद तौहीद के आगे याद से ने देखा हूँ तो पूछा किसे आज के हजरत शिकार हुआ अपनी है पूछिए मत जल्दी जल्दी इलाज कीजिए कहीं मेरी माँ तड़प तड़प के जान तुमने फरमाया मेरी माँ आ गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और हल्का इस्लाम में दाखिल किया कभी कभी लिहाजाएं भी कारगर हुआ करती है ना बेशक ताली फरमाया करते थे सही मुकाबला का मुखारी जानते हो नाम सुना होगा आपने कभी हाँ बड़े शरीर करो मध्य दुर्वेश जिसने 40 साल बड़े शरीर से चप्पे चप्पे पर कुरान सुनाया और शाम फरमाया करते थे मुझमें जितनी अजमतें हैं कुरान की वजह से अगर कुछ है मुझमें तो कुरान की वजह से है एक अंदर तस्वीर में उस वक्त की उम्र से इजाजत नहीं थी तो मैं 40 की वजह से दर्शक शिक्षक मेरे दादी की जिंदगी पर एक किताब लिखी है नवाज दुर्वेश उसके तमाम अधिकार खत्म हो चुके पाकिस्तान में अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो फिर उसे शायद करेंगे इंशाअल्लाह पिछले दौरे की एक किताब भी लिख चुका हूँ दियार गैर से दियार उसमें और कम की वो उस मस्जिद में जो तकरीर हुई है हाजी फौजी साहब के यहाँ तो वो तकरीर भी उस किताब में आई हुई है कैसे से नकल करके तो वो इंग्लैंड के दौरे की रुझान भी है कि कहाँ स्टाइल हुई कहाँ हम रहे कहाँ कहाँ पहुंचे पूरी कार्रवाई उसमें फिर हरमैन शरीफ साहब का उत्तर जवाब भी मैंने उसमें दिया और 5 तकरीरें यहाँ जो मुख्तलिफ मकाम थे वैसे तो दर्जू हुई थी लेकिन उनमें से 5 दे दी गई अब उसका दूसरा हिस्सा किस दौरे में तैयार हो रहा है इंशाअल्लाह और ये अल्लाह का करम है कि ये दौरा भी उसी तरह है दियार गैर से दियार हदीस तक उसका दूसरा हिस्सा है और दूसरे दौरे में भी अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह फिर हरमैन शरीफ साहब का सफर होगा तो मैंने उसमें भी वादा दिया है शाहिद अब्दुल्लाह एक बनाते थे जीने में डर आता में और एक शूटर एक ईसाई हाथ में झाड़ू लिए उतर रहा उस ऊपर साफ करने के लिए गए क्या आप काली रंगत उसकी और बड़ा घुटा हुआ जिसम जवान शाहिद अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि आना सामना होगा वो उतर रहा था मैं चाह रहा था उसको पकड़ लिया पूछा कहा तो अब शाहिद का पूछ रहे हो बेचारा कहीं गए उसने कहा हम तो पड़ जाए सरकार ने सीने से लगा दी कि अच्छा फिर जरा यहाँ की सफाई कर देना ऐसे बता के खूब खींचा और भी छोड़ दी चार ऊपर चले गए तो नीचे उतरा थोड़ी देर के बाद उतर आई के वो तरह रहा और कहता है अल्लाह को बुलाओ मुझे मुसलमान बनाया वरना मैं मर जाऊंगा चार नीचे आए और उसे मुसलमान बनाया सीने से यूं लगाया था और फिर कभी जुदा न होने दी असल में एक बात आप ध्यान करूं किसान में कोई किरदार में है खुदा की कसम न वो गुप्तार में है न तलवार में जो किरदार वालों के अल्लाह है रखी और बड़े शरीर में हमारे काबिल और हमारे अखलाक के हुस्न अखलाक से बेशुमार कुफार और का एक पुत्र से दार इस्लाम में दाखिल हुए उनके हुस्न अखलाक की वजह से तो आपने देखा था आपकी खिदमत में कि जब मानता है तो मानने वाले हैरान हो जाते हैं और नहीं मानता तो उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता उसी को खुदा कहते हैं यहूदियों ने तो रेल बदली ईसाइयों ने इंजील बदली और नबियों को खुदा का भेजा जाए कुरान ये सीधे रास्ते की तरफ तुम्हें बुलाता है जिसमें कोई कमी नहीं कुरान पाक के अंदर कोई इंसान बताता है खुदा नहीं बनाता और खुदा को खुदा नहीं देता है इंसान नहीं बनाता सरकार कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जुबान में वादे अल्फाज में कह दिया ला कुरान लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाही मैं उसके खजानों का मुख्तार भी नहीं अल्लाह का कोई ऊब भी नहीं और नूरी भी नहीं इंसान हूँ अब्दुल्लाह का यतीम हूँ आमना बला हूँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ बिरादरी वाला हूँ बेटू वाला हूँ बेटी वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यार कोई मुझे मुबारकबाद दे मेरा सुनी जाग रहा है मेरा सुन्नी जाग रहा है अल्लाह जगाए और इंशाअल्लाह इसका दुश्मन भाग रहा है हुजूर की बेटी
हुजूर के बेटे हुजूर की बेटी, ठीक कहा मैंने? तो जरा यहाँ बैठने वाले अपने खतीब साहब से भी दरखास्त किया करो कि वो भी खुतबे में चारों बेटियों का नाम लिया करें, एक बेटी का नाम लेकर बाकी तीनों का दिल न दुखाया करें। और उलमाए किराम बसद माजरत, आपकी इज्जत और तौकीर का तो मैं कायल हूँ, ये कैसे के जरिए जिन जिन उलमा तक मेरी आवाज पहुंचेगी, वो चाहे यहाँ के हों, अफ्रीका के हों, अरब के हों, बड़े सगीर के हों, इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी, मेरी दरखास्त है कि खुदा जुमे के खुतबे में हुजूर की एक बेटी का नाम लेकर बाकी तीन का दिल न दुखाया कीजिए। मुनाफिक तो उनका इनकार करते हैं लेकिन आपका इनकार कीजिए, खुतबे में चार बेटियों का नाम होना चाहिए। सरकार ने फरमाया मैं पेश हूँ वादा, बेटी हूँ बड़ी बेटी का क्या नाम हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला, जिनका निकाह हुआ हजरत अबलाल उमरी से, यही तो बात बड़ी साहबजादी हुज़ूर की हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला, जिन्हें याद कर करके आप दीदा हो जाते थे और फरमाते थे मेरी ज़ैनब बड़ी अच्छी बेटी थी जो मेरी वजह से सताई गई, मुस्लिम के हाथों से ज़ैनब सताई गई। अपनी बेटी ज़ैनब की बच्ची हजरत अमामा बिन्ते ज़ैनब को कंधों पे उठाते थे, कभी अमामा बिन्ते ज़ैनब के बाल चूमते, कभी हाथ चूमते, कभी उसकी जमीन को गोता देते, फरमाते ये मेरी प्यारी बेटी की हकीम यादगार है। बड़ी साहबजादी हुज़ूर की हजरत ज़ैनब, जिनका निकाह हुआ हजरत, ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से जो निकाह हुआ है वो तो रुकैया और उम्मे कुलसूम का हुआ है ना, हजरत ज़ैनब का निकाह अबलाल उमरी से हुआ, अबलाल उमरी से, और हजरत रुकैया का और हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान से हुआ, और सैयद फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा व अन्हुन्ना का निकाह हजरत अली मुर्तज़ा से हुआ। तो पैगंबर की कितनी बेटियां हैं? चार। आज के बाद भूलना तो नहीं, नाम भी नहीं भूलना, और ये जो तफसील मैंने बताई है ये भी नहीं भूलना कभी। तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं खुदा भी नहीं हूँ, खुदा का दिल भी नहीं हूँ, खुदा की जिंस भी नहीं हूँ, खुदा का नूर भी नहीं हूँ, इंसान हूँ। लेकिन इंसान ऐसा के बाद है खुदा बुजुर्ग सर हूँ, खुदा के बाद मेरी शान और अजमत का कोई मुकाबला करने वाला नहीं, सारी कायनात से ऊंचा हूँ, सिर्फ खुदा से नीचा हूँ। तो कुरान पाक ने सीधा रास्ता बताया ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कुरान पाक आज भी तुम्हें दावत देता है कि मेरे करीब आओ तुम्हें कीमती बना दूं। कुरान ने बकरियां चराने वाली कौम को वारे से सख्त उतार कर बकरियां चराने वालों को, मैंने कहा तुम फसानी ने तेरी कतरू को तैयार कर दिया, दुर्फसानी ने तेरी कतरू को तैयार कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, और खुद न भेजे राह पर आलम के हादी बन गए, खुद न भेजो राह पर दुनिया के रावर बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कुरान पाक मजलूमों को बुलंद करता है, कुरान पाक ने अबू बकर को सिद्दीक बना दिया, कुरान पाक ने उमर इब्ने खत्ताब को फारूक आजम बना दिया, और सारे को बैनुल हक और बातिल, और कुरान पाक ने अफ़ान के बेटे को उस्मान ज़ुन्नूरैन बना दिया, और कुरान ने अबू तालिब के फरजंद को अली अल मुर्तज़ा हैदर करार बना दिया, कुरान पाक ने अबू हुरैरा को हाफिज़ हदीस बना दिया, कुरान पाक ने अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को मुफस्सिर कुरान बना दिया, इब्ने अब्बास को मुफस्सिर कुरान बना दिया, खालिद को मुजाहिद आज़म बना दिया, सुहाजनार कदारन शहादत की रंगीनी उसे मामूर कर दिया। कुरान आज भी तुम्हें बुलाता है मेरे करीब आओ, तुम्हारी कमजोरियों को तवानाइयों से बदल दूं, तुम्हारे दुखों को सुखों से बदल दूं, तुम्हारे आंसुओं को मुस्कुराहटों से बदल दूं, तुम्हारी बर्बादियों को आजादियों में बदल दूं, मैं तुम्हें दुनिया में भी कामयाब कर दूं, हुक्मरान में भी कामयाब कर दूं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपका मूड नहीं है मुझे छोड़ने यूं बैठा है क्या दोगे आपसे देश कार्य का बटन ऑन कर दिया है, आराम से बैठे हुए हैं, आपका फोन किया करोगे आप आराम से मिल रहे तो अपने हिस्से में कोई फारिग नहीं देखकर आप सीधा हो गए, और अंत क्या खुदा होता राजी हो जाना तेरे दीन के लिए मेरे से सारे अपनी जिहाद करवा ली, और ऐसा कि हम हजरत हमजा की बहन अपने भाई का आखिरी दीदार करने के लिए आ रही है, हजरत हमजा की हमशीरा, हजरत हमजा की हम
हमारे विद्वान ने और दिलों निगाह की गहराइयों में खुदा बंदा गैरत की हरामतें पैदा कर दे, हमें अमली मुसलमान बना दे। अगर जिंदा रहे तो बाकी बात इंशाअल्लाह पहले की बात होगी। मैं रहम की अपील करूंगी तुझे माफ करने में तैयार नजर नहीं आते। अगर जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह रात की निश्चित में बाकी बातें होंगी। अब आपने